इस आयोजन में हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, माननीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी, वीरेंद्र सिंह जी, श्री लल्लू सिंह जी, रीता बहुगुणा जोशी जी और इस माटी के संरक्षक अमिताभ कांत जी और दुर्गा शंकर मिश्र जी, इसके माटी के सूत्रधार या माटी जिनके कारण चल रहा है आसिफ आजमी जी और मित्रों, मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है क्योंकि समय भी बहुत हो गया है। ज़रूर मैं चाहता था कि दुर्गा शंकर जी बोलें, उसकी वजह यह है कि माटी के काव्य गोष्ठी में इनका व्याख्यान हुआ है और वो व्याख्यान ऑनलाइन मौजूद है। मुझे व्याख्यान के बाद दुर्गा शंकर जी ने उसका क्लिप भेजा और मैंने उसको सुना। पहले भी मैंने इनको कई बार सुना है, परंतु वह जो व्याख्या इनका भाषण है उस कवि गोष्ठी में, वो अद्भुत भाषण है। तो मैं चाहता था कि ये भले ही मुख्य अतिथि का व्याख्यान हो गया है, लेकिन वो बोले और हमारा आग्रह उन्होंने स्वीकार किया, मैं उनका आभारी हूँ। सचमुच आज जो आयोजन हम लोगों ने रखा, तो उसका सुझाव भी दुर्गा शंकर जी ने ही दिया था। मुझे बल्कि लगा कि पहले ही दिन पता नहीं सब लोग आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, लेकिन 29 तारीख को पार्लियामेंट शुरू हो रही है और उस दिन मंत्री और सांसद खाली रहते हैं आमतौर पर कई कारणों से। कई बार शोक प्रकट करने के लिए छुट्टी हो जाती है और भी कारण रहता है। तो मुझे लगता है कि दुर्गा शंकर जी ने जो सुझाव दिया और जिस पर हम लोगों ने अमल किया, तो वो सही सुझाव था। और इस तरह से समय समय पर मैं अमिताभ कांत जी से, दुर्गा शंकर मिश्र जी से और बाकी लोगों से यह इस तरह के सुझाव हम लोग लेकर आगे काम करते रहेंगे। माटी की परिकल्पना के बारे में आसिफ जी ने बताया है, मैं ये कहूँगा ये काव्य संग्रह जो छपा है, आप देखेंगे तो किसी भी सबसे बढ़िया प्रोडक्शन जिसको कह सकते हैं प्रोडक्शन की दृष्टि से, तो ये किताब है। ये केवल किताब छापने के लिए किताब नहीं छपी है, बल्कि अगर आप किताबों की दुनिया में इसको की तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि ये नंबर एक का काम हुआ है। आप इसका कवर पेज देख लीजिए, तो कवर पेज की जिसने भी डिजाइन की है, डिजाइनर का नाम है इसमें, कवर पेज सचमुच आपको अपनी ओर खींचता है और बताने की कोशिश करता है। जैसे ही कवर पेज को आप देखेंगे तो एक दृश्य है, जो दृश्य आपको अपने गांव ले जाता है, अपने घर ले जाता है और बताने की कोशिश करता है कि आप किस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, और वही दरअसल माटी का संदेश भी है। कविताएं हैं, अच्छी कोशिश हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर रविवार को नियम पूर्वक कोरोना के दूसरे और पहले लहर में ये कवि सम्मेलन का चलाना कोई साधारण बात नहीं थी, और इसलिए
मैं दो एक गोष्ठियों में था, सब में नहीं था। उसकी वजह यह भी थी कि हर शनिवार को हमने भी एक आयोजन कर रखा था विचार समूह के नाम से। हम 7-8 लोगों ने तय किया कि हम हर शनिवार को मिलेंगे और 1-1.5 घंटे मिलेंगे, ऑनलाइन मिलेंगे। वो कोरोना के दूसरे फेज तक वो अभी भी चल रहा है। 70 गोष्ठियाँ विचार समूह की हुई, तो शनिवार को वो, फिर रविवार को ये कभी वाला। मैंने बताया भी आसिफ जी को कि हम 1-2 में रहेंगे और थे भी, लेकिन ये सिलसिला चला। मैं अब जो दूसरी बात कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा वो ये कि हमको सहयोग का, सबका के संरक्षण का और जो आश्वासन मिला है वह आश्वासन हमारा बल है। कोई संस्था, चाहे माटी हो या दूसरी संस्था हो, उसमें एक व्यक्ति उसको मिशन की तरह से जब ले लेता है कि मुझे इस संस्था को चलाना है, तो संस्था चलती है, आगे बढ़ती है और लोगों का सहयोग भी मिलने लगता है। हमारे यहाँ कहा भी गया है कि अगर आप ईश्वरीय शक्तियों का आवाहन करें तो आपको सारे सहयोग मिलने लगते हैं। और भारत में चाहे संत हो, ऋषि हो, महर्षि हो, अगर उनको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने एक ही बात कही है, और यही भारत और दुनिया में फर्क है। दुनिया कहते हैं यूरोप को या पश्चिम को। पश्चिम और पूर्व का फर्क क्या है? तो पश्चिम में जीवन तर्क से चलता है और पूर्व में जीवन अपने अनुभव से चलता है। भारत ने जो भारत की पूरी संस्कृति, भारत का पूरा इतिहास किताबों से नहीं चलता है, जिंदगी के अपने अनुभवों से चलता है। और जिंदगी का जो अपना अनुभव है वही माटी उसको याद कराने या उससे फिर से आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और ये कोशिश इस अर्थ में ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम दूर अपने गांव से, अपने ज़िले से दूर हैं, तो उसको याद करें, उसके के लिए जो कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करें। ये काव्य संग्रह शुरुआत है। हम अगर एक कदम आगे बढ़ेंगे तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस भूगोल में, जिस कार्य क्षेत्र में माटी ने अपने को स्थापित करने की या माटी जिसके लिए काम करने की सोच रहा है, उसमें एक बड़ा एरिया ऐसा है जो उपेक्षित है। और वो बड़ा एरिया कौन सा है? वो लोक कलाकारों का है। उसकी कुछ बात यहाँ पर कई वक्ताओं ने की है, जैसे अनुप्रिया जी ने कजरी की जब बात की या विरह की बात की, आल्हा की बात की, तो उनका संकेत यही था कि इसके जो कलाकार हैं क्या उनकी कोरोना के काल में शुद्ध ली गई, वे कैसी अवस्था में है। मेरा ये कहना है कि लोक कलाकारों की चिंता करने की ज़रूरत है और उन लोक कलाकारों को, लोक कलाओं को पुनर्जीवित करने की भी ज़रूरत है।
वे जो लोक कलाकार हैं वो दरअसल भारत की पूरी परंपरा की, भारत की संस्कृति की, भारत के धर्म की, भारत के राजनीति की, भारत के भविष्य की वे माध्यम हैं। महात्मा गांधी ने जब नमक सत्याग्रह किया, मैं ये मानता हूँ कि स्वाधीनता संग्राम में केवल एक आंदोलन ऐसा है महात्मा गांधी का जिसने देशभक्ति की भावना इतनी जगाई कि अंग्रेजों को अंततः 1947 में जाना पड़ा। वो केवल 1931-32 का नमक सत्याग्रह है। और नमक सत्याग्रह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में जो संकल्प जगाया, मैं आपसे कहूँगा अगर आप चाहें तो पढ़ें, बम्बई के पास धरासणा नाम की एक जगह है, धरासणा के में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में, जो उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर बनी, सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने नमक सत्याग्रह किया और उस पर जो जुल्म ढाया गया उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसका मैं संदर्भ क्यों दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी अभी पता नहीं राकेश पांडे यहाँ हैं या नहीं हैं। अच्छा, तो राकेश पांडे हैं, देखिए राकेश पांडे जी हैं यहाँ। राकेश पांडे जी ने कुछ दिन पहले नमक सत्याग्रह के दौरान अंग्रेजों ने जिन कविताओं को, गजल को, गीत को प्रतिबंधित कर दिया, उनको इन्होंने राष्ट्रीय संग्रहालय से खोज खोज करके कई साल लगाकर, और प्रतिबंधित साहित्य में महात्मा गांधी ये किताब निकाली है। और वो किताब इस बात की गवाह है कि नमक सत्याग्रह ने कैसी देशभक्ति पैदा की, और वो देशभक्ति कवि और लोक कलाकारों के माध्यम से लोगों में जाती है। तो जैसे हमने एक सोपान, एक सीढ़ी हमने पार कर ली है, यानी कवियों को हमने एक मंच दिया है, उसी तरह से माटी भविष्य में संभव होगा तो कोशिश करेगा कि लोक कलाकारों का भी इसी तरह से एक संग्रह हम बनाएं, उनको फिर से मंच भी मिले और अवसर भी मिले। इस तरह के अनेक रास्ते हम चल पड़े हैं। मैं आखिर में मेहदी हसन की दो लाइन कह करके अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। मेहदी हसन की एक बहुत गजब की लाइन है, उनसे कहना कोपिलें फिर फूट आई हैं, उनसे कहना कोपिले फिर फूट आई हैं, वे नहीं मानेंगे, फिर भी कहना कोपिले फिर फूट आई हैं। तो माटी कोपिले फिर फूट आई हैं का प्रतीक है, और यही कहकर मैं अपनी बात पूरी करूँगा।